मैं आपको बताऊंगा बॉट फ्यूजन वेल्डिंग, उसका जो हीटिंग टाइम, जो हीटिंग मतलब के कितना टाइम हीटिंग करना है, कितना उसका बीड वीड रहेगा, वो सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आपको बॉट फ्यूजन वेल्डिंग के लिए आपका IS 7634 Part 2 2012 के हिसाब से जाना है। क्लॉज नंबर 3.2.1.2 एंड 3.2.1.3, पेज नंबर 2 एंड 3, ठीक है। तो पहले जब आप हीटिंग करोगे, ये जो ये हीटिंग प्लेट है, ठीक है, ये जो हीटिंग प्लेट है, इसको 200 से 230 तक आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, ठीक है। ये आपका पाइप है, तो पाइप को क्या करना है, जब पाइप मतलब हीटिंग जब करोगे, इसके पहले ये पाइप का सरफेस को लेवल करना है, किसमें, वो जो आपका मशीन है, ठीक है, मशीन से, मैनुअल मशीन से उसको इसको लेवल करना है। लेवल करने के बाद ये हीटिंग प्लेट बीच में दिया जाएगा, बीच में देने के बाद इसको दोनों तरफ से प्रेशर, ये पाइप को दोनों तरफ से प्रेशर दिया जाएगा, ठीक है। ये जो प्रेशर देने के टाइम में आपका इसके इसको कितना टाइम रखना है, ये जो हीटिंग को, ये नॉमिनल थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका नॉमिनल थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है कितना बीड हाइट होगा, ये आपका, ये जो है ये आपका बीड हाइट है, तो कितना आपको हीटिंग करना है, कितना उसके बाद चेंज करना है, कितना जॉइंटिंग करना है, कितना कूलिंग करना है, कूलिंग टाइम ड्यूरिंग रिलैक्सेशन, ठीक है, ये सब आपका एस कोड में है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए कब क्या दिया है, अप टू 4.5 mm तक, ठीक है, बीड हाइट ऑन द हीटेड टूल, ठीक है। ये आपका बीड हाइट जो है, बीड हाइट कितना रहेगा आपका 0.5, जब तक ये 0.4 4.5 तक, ये 0.5 mm तक बीड हाइट जब आ जाएगा उसके ऊपर, जब हीटिंग करने के टाइम में, तो उसके हीटिंग टाइम कितना रहेगा आपका 45 सेकेंड, ठीक है, ये सेकेंड में दिया है 45 सेकेंड। और चेंज ओवर कितना रहेगा, जब आपको चेंजिंग करोगे, जो वो जो हीटिंग प्लेट को निकालना का टाइम है 5 5 सेकेंड, ठीक है। तो प्रेशर बिल्ट अप टाइम कितना है, बिल्ट अप प्रेशर कितना करना है, मतलब 5 सेकेंड 5 सेकेंड, ठीक है, प्रेशर बिल्ट अप करना है 5 सेकेंड में, आपको 230 तक आपको हीटिंग देना है, ठीक है। कूलिंग टाइम अंडर प्रेशर आपका, कूलिंग टाइम क्या है, कूलिंग टाइम जब आप निकाल दोगे उसको, निकालने के टाइम में आपको कूलिंग टाइम, इसके प्रेशर दोनों साइड से आपको प्रेशर देना है, कितना टाइम उसका टाइम रहेगा 5 सेकेंड, ठीक है, जो आपका 4.5 5 सेकेंड रहेगा। तो इसके बाद आपका कूलिंग टाइम अंडर प्रेशर चला गया, इसके बाद आपका आएगा कूलिंग टाइम ड्यूरिंग प्रेशर रिलैक्सेशन, ठीक है। प्रेशर रिलैक्सेशन कब करोगे, जो जब ये कूलिंग हो जाएगा, प्रेशर रिलैक्सेशन उस टाइम 5 मिनट उसका रखना है, क्या 300 सेकेंड, मतलब 5 मिनट कूलिंग टाइम ड्यूरिंग प्रेशर रिलैक्सेशन के लिए उसको 5 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है, उसके बाद उसको छोड़ देना, वो उस टाइम वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो जो आपका जो वेल्डिंग का प्रोसीजर, जब कूलिंग टाइम आपका 5 मिनट तक आप छोड़ दोगे, उस टाइम उसका वेल्डिंग मतलब उसका जो यूजिंग टाइम उसके स्टार्ट हो गया, उसके बाद आप पाइप लाइन कर सकते हो, ठीक है।